अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट के चलते अब भारत में भी इसका असर देखने को मिला है, जिसकी वजह से भारतीयों को सस्ते डीजल और पेट्रोल का लाभ मिलने लगा है। भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में आज दर्ज की गई गिरावट के मुताबिक पेट्रोल का दाम 2.69 रुपए गिर कर जहाँ 70.20 रुपए प्रति लीटर पहुँच गया है, वहीं डीजल के दाम 2.33 रुपए गिर कर 63.1 रुपए पहुँच गया है। बता दें, सऊदी अरब और रूस के बीच ऑयल वार छिड़ने से सोमवार को कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 31% तक टूट गई थी। इससे भारत को वित्तीय लाभ हो सकता है, क्योंकि हमारा देश पेट्रोलियम ईंधन के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर रहता है। भारत अपनी जरूरत का 84% से अधिक तेल आयात करता है। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी से देश के आयात बिल में कमी आएगी और इससे खुदरा कीमतें भी कम होंगी। हालांकि इससे पहले से दबाव में चल रही ONGC जैसी कंपनी की हालत और खराब होगी। विभिन्न क्षेत्रों के लिए लागत कम होने से देश की अर्थव्यवस्था को थोड़ा संबल मिलेगा। इससे कई क्षेत्र के लिए कच्चे माल की लागत कम होगी। कच्चे तेल की कीमत में $1 की कमी से भारत का आयात बिल 2,936 करोड़ रुपए कम होता है। इसी तरह डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में 1 रुपए प्रति डॉलर का बदलाव आने से भारत के आयात बिल पर 2,729 करोड़ रुपए का अंतर पड़ता है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या है, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है और इन्हीं मानकों के आधार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। DID न्यूज की खास रिपोर्ट।